रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं। जैसा कि ये इश्तिहार आपके सामने है, ज़रूरत अमला तदरीसी और गैर तदरीसी प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वर्कर चिल्ड्रन एजुकेशन सिस की मंजूरशुदा इंटर्नशिप पॉलिसी के तहत वर्कर वेलफेयर स्कूलों में हसबे ज़ैल तदरीसी और गैर तदरीसी अमला की ज़रूरत है। जी आपको मैं सारा ऐड पढ़ के सुना देता हूँ। सीनियर टीचर है, इसकी एज जी 21 से 30 साल है। एमए बीए होना चाहिए, ऑनर्स या बीएस हो या एमए हो, अरबी इस्लामिया तारीख या एमए हिस्ट्री हो, मुताले पाकिस्तान हो, मुआशिया तो यानी कि एमए इकनॉमिक्स हो, बीएड और एमएड इसमें लाजमी होना चाहिए, ठीक होगा जी। और इसकी जो तनख्वाह महाना होगी 45,000 होगी, ठीक है। उसके बाद जूनियर टीचर है बायोलॉजी की, उसकी एज है 19 से लेकर 30 साल, और इसके लिए बीएससी जुआलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए, और इसका जो पे होगी वो 35,000 होगी। उसके बाद नंबर टू पे जी सीनियर टीचर केमिस्ट्री केमिस्ट्री बायोलॉजी, और इसके लिए जी आपके पास एमएससी या बीएस ऑनर बायोलॉजी या केमिस्ट्री में होना चाहिए, इसकी भी 45,000 रुपये है। और उसके बाद ये अकाउंट असिस्टेंट है, इसके लिए बीकॉम होना चाहिए, और इसकी तनख्वाह 16,000 है। उसके बाद सीनियर टीचर फिजिक्स रियाजी है, ये फिजिक्स मैथ के लिए जी एमएससी या बीएस आपके पास फिजिक्स में होना चाहिए, साथ आपके पास बीएड या एमएड भी लाजमी होना चाहिए। उसके बाद सीनियर टीचर उर्दू है, एम ए उर्दू साथ बी एड हो, सीनियर टीचर इंग्लिश है, एम ए इंग्लिश हो या बी एड आपके पास हो, सीनियर टीचर आई टी है, उसके लिए भी ये सीनियर टीचर जितने भी हैं इनकी पे 45,000 है, इंग्लिश की भी है, उर्दू की भी है, फिजिक्स की भी है। और उसके बाद जूनियर टीचर जो है, जूनियर टीचर उर्दू फिजिक्स रियाजी और बायोलॉजी, उसके बाद एक क्लर्क है, माली है, आया है, चौकीदार है, नायब कासद है और खाकरोब, ये सारी सीटें हैं, ठीक है जी। इनके इनके आगे इनकी क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है और उम्र की हद भी लिखी हुई है, एज लिमिट भी लिखी हुई है, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा दिया हुआ है, ये मैं आपको अब नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, ये बहुत लंबी हो जाएगी। लाहौर है, शेखपुरा है, ननकाना साहब, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, खुशाब ये, और उसके बाद मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, रहीम यार खान, रावलपिंडी, झेलम, खानेवाल, लिया, सरगोधा और साहिवाल, ये सारे ज़िला हैं जी, इन डिस्ट्रिक्ट में ये सारी जॉब्स हैं। उसके बाद ये शरायत में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपने क्या करना है जी, आपने सादा कागज पर दरख्वास्त लिखनी है, साथ अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और मुतलका स्कूल में जाके अपने अप्लाई कर देना है। और इसकी जो तारीख है वो 4 जुलाई है, सॉरी मैंने वहाँ पे 7 जुलाई लिखा हुआ है, ये 4 जुलाई तक आपने इसको मुतलका स्कूल में जाके अप्लाई करना है। हर ज़िले में स्कूल की जो लिस्ट दी हुई है, अगर आपने ये आपको ये ऐड चाहिए तो मुझे आप ऐड मंगवा लें, ऐड दे के आप अपने ज़िले की सीट देख लें, आपके ज़िले में कौन कौन सी सीट है, ठीक होगा जी, जाके अपने ज़िले के मौजूदा जो मुतलका आपका ज़िला स्कूल में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।